हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दलित सिंह मेहता और आज जो हम लोग देखने वाले सॉम में वो रहेगा शीयर टेस्ट। तो शीयर टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग जो मटेरियल यूज़ करने वाले वो रहेगा दो मटेरियल, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। एक मटेरियल है माइल्ड स्टील और एक मटेरियल है कॉपर। जो माइल्ड स्टील का जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 5 mm और जो डायमीटर ऑफ कॉपर रहेगा वो रहेगा 8 mm। तो शीयर स्ट्रेस का बेसिक जो डेफिनेशन वो होता है, इट इज़ नॉटेड बाई टाओ। सो टाओ इज़ नथिंग बट शेयर लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, सिंगल शेयर है तो। और अगर डबल शेयर है तो टाओ इज इक्वल टू पी अपॉन ट्वाइस ए, क्योंकि डबल शेयर है, ट्वाइस एरिया डबल शेयर। अभी मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि सिंगल शेयर और डबल शेयर क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब एक फोर्स या लोड जब ऐसे ऐड करता है अक्रॉस द प्लेन, सो ये जो बार है, ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे टूटेगा। मीन्स इट विल बी स्लाइडिंग एक्शन में टूटेगा, एक पार्ट उस तरफ दूसरा पार्ट इस तरफ। सो यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है सिंगल शेयर अप्लाई हो रहा है, करेक्ट। सो इसलिए यहाँ पे जो आया वो आया टाओ इज इक्वल टू पी बाई ए। अगर यही मैं डबल शेयर बोलूँ, अगर यही अरेंजमेंट में मैं एक और प्लेट इसके नीचे लगा दूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और फोर्स अगर यहाँ पे एक अप्लाई होगा, इस तरफ एक अप्लाई होगा और इस तरफ एक अप्लाई होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो मटेरियल है, ये जो डायमीटर है और ये जो रॉड है, जो कि हमारा यहाँ पे देखिए ये डायमीटर ऑफ एमएस और कॉपर दिया गया है, ये रॉड आप कोई भी एक ले लीजिए। सो ये यहाँ पे इसका जो एरिया, ये टूटेगा कैसे, ये ऐसे टूटेगा कुछ, मतलब ये लोड आपको ये मटेरियल इस तरफ, ये वाला जो प्लेट है वो उस तरफ, ये वाला प्लेट है जो इस तरफ। सो ये जो है मटेरियल यहाँ पे और यहाँ पे टूटेगा, मीन्स अंडर शेयर। सो ये हो गया डबल शेयर, बिकॉज यहाँ पे एरिया जो है वो डबल शेयर में है। देखिए ये एक एरिया हो गया और ये एक एरिया हो गया, सो इसलिए ये डबल शेयर और ये सिंगल शेयर। सो फार्मूला क्या बना हमारा, टाओ इज इक्वल टू पी बाय ए एंड टाओ इज इक्वल टू पी अपॉन ट्वाइस ए। ये डबल शेयर और ये हो गया हमारा सिंगल शेयर। अभी आप और जो हम लोगों जो ये पी है शेयर लोड और ये जो एरिया है, एरिया तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर से। एक बार आप डी में 5 mm लेंगे और एक बार आप डी के जगह पे 8 mm लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। और टाउ निकालने के लिए अब हमको चाहिए नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगा वो रहेगा पी, जो कि है शेयर लोड। ये जो लोड है ये कैसे मिलेगा हमको, तो इसके लिए हम चलते हैं इस मशीन में। वो जो लोड अप्लाई होगा ये पूरे अटैचमेंट में, वो मिलेगा हमको यहाँ पर ये डायल में। ये डायल में हमको पी मिलेगा, पी का वैल्यू, लोड जो अप्लाई होगा मटेरियल के ऊपर, बार के ऊपर, उसको तोड़ने के लिए, वो हमें इस डायल में मिलता है। और ये जो मशीन जो है ये है UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सो इसके अटैचमेंट के बारे में, कैसे उसको अटैच करने का है एंड कैसे वी विल डू द टेस्ट, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे 5 mm का एक जो डिस्क है जिसके ऊपर हम लोग को टेस्टिंग करना है, वो ऐसे फिक्स हो जाता है ये अटैचमेंट में लाइक दिस। हाँ सर, अभी डालिए। अभी इसको हम लोग प्लेस करेंगे अटैचमेंट के अंदर कुछ ऐसे, ठीक है। अभी जो 5 mm का जो हमारा वर्क पीस है, हम उसको इंसर्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से 5 mm का जो रॉड है वो भी चला गया। अब इसके आजू बाजू से फिर से 2 डिस्क हम लोग डालेंगे। एक ये डिस्क रहेगा 5 का जो प्रॉपरली फिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ से भी एक 5 mm का जो डिस्क है वो फिक्स हो जाएगा। अब जब ये कॉम्प्रेशन टेस्टिंग में जाता है ये अटैचमेंट, तो लोड अप्लाई होता है यहाँ पे और जो टूट के निकलता है वर्क पीस, ये ऐसे अटैचमेंट अटैच होता है UTM के ऊपर, उसको सेंट्रली प्लेस किया जाता है। और जब जो बीच में से जब टूटता है जो मेटल डबल शेयर में, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर जो रॉड होगा वो उसके ऊपर लोड अप्लाई होगा और वो कुछ इस तरीके से टूट जाएगा। सो ऐसे हमको ये अटैचमेंट को यूज़ करना है, और ये अटैचमेंट का नाम है शेयर स्ट्रेस अटैचमेंट। अगर हमको अलग अलग डायमीटर्स के स्पेसिमेन का अगर करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 mm का भी है, और ऐसे ही 8 mm का भी है, आपको 18 mm, 16 mm का भी दिखेगा, 20 mm। सो हमारे पास बहुत सारे रिंग्स होते हैं, उनको फिक्स ऐसे ही किया जाता है और इसी तरीके से शेयर स्ट्रेस होता है। सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेयर अटैचमेंट है उसके अंदर हमारा माइल्ड स्टील का जो 5 mm का जो रॉड है वो प्रॉपरली फिक्स कर दिया है हमने। दिस इज़ कॉल्ड एज शेयर अटैचमेंट। और उसके अंदर जो ये रॉड है वो है 5 mm का माइल्ड स्टील का रॉड, आप देख सकते हैं। और इसको प्लेस किया है हमने UTM मशीन में।
सो ये जो पूरा मशीन है वो UTM मशीन है, करेक्ट। और अब यहाँ पे ये जो प्रेशर आएगा इस पार्ट के ऊपर वो आएगा बाय मीन्स ऑफ लोडिंग यूनिट, क्योंकि ये लोडिंग यूनिट में हमने प्लेस किया है इसको। और जब ये लोड आएगा इसके ऊपर, ये पार्ट के ऊपर, तो ये जो पूरा रॉड है वो डबल शीयर में टूटेगा। डबल शीयर मीन्स आपको मैं दिखा दूँ कुछ, वो रॉड जो उसका जो बीच का पीस है वो कैसे टूट जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ये पूरे रॉड के मीन्स इस पार्ट में और इसके इस पार्ट में शीयरिंग आएगा। तो ये जब लोड इसके ऊपर अप्लाई होगा इस पार्ट के ऊपर, तो वो मेटल जो है वो टूटेगा इस तरीके से, इस तरीके से टूटेगा शीयर में। तो शीयर इस टेंजेंशियल फोर्स, जब ये इस तरीके से टूटेगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो पीस निकलेगा इसमें से, जो कि मैं आपको टेस्ट के बाद दिखाऊंगा कि वो कैसे शीयर में टूटा है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। अब ये लोडिंग यूनिट पे धीरे धीरे देखिए लोड आ रहा है, इसलिए पी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। दिस पी का वैल्यू इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, क्योंकि वो जो हमारा बार है वो, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक हो गया है। अब आप देखेंगे कि माइल्ड स्टील जो ब्रेक हो गया है, सर निकालिए उसको, अभी आप देखेंगे कि वो ब्रेक हो गया, फेलियर हो चुका है उसका शेयर में, ये रॉड का, माइल्ड स्टील रॉड का। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो रॉड जो ब्रेक हुआ होगा वो डबल शेयर में टूटा होगा। ये देखिए एक साइड से ब्रेक हो चुका है, दूसरा साइड भी देख लिया उसका, और अभी आप देखेंगे कि अंदर जो हम लोग को मिलेगा वो टूटा हुआ पार्ट मिलेगा, देखिए ये। सो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो एक पीस जो इसके अंदर से टूटा डबल शेयर में, वो ये जो हमारा अटैचमेंट है उसके अंदर फिक्स्ड है। अभी दिखाऊं मैं आपको, तो ये एक साइड हो गया शेयर का, बार का एक साइड, और ये दूसरा साइड हो गया बार का। तो यहाँ पर एरिया जो है वो डबल शेयर है, एक एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया, इसलिए डबल शेयर में द फॉर्मूला वॉज टाओ इज इक्वल टू पी बाय टू ए। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसमें जब निकलेगा ये देखिए, तो ये बार देखिए यहाँ पे, एक साइड उसका शेयरिंग एरिया ये हो गया और दूसरा एरिया शेयर में जो टूटा है वो ये हो गया, ये बार ऐसे टूटा है शेयर में। सो ये जो पी का वैल्यू मिला वो हमको वो डायल से मिला, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है। सो टाओ का वैल्यू, जो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू, वी कैन कैलकुलेट टाओ इज इक्वल टू पी बाय शेयर लोड अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया। सो ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया। एंड सर इसका रीडिंग क्या आया है पी का, और आप देख सकते हैं रीडिंग जो मिला है हमको पी का वो आया है अराउंड 11.7 किलो न्यूटन, 11.7 किलो न्यूटन का जो रीडिंग मिला है हमको। सो टाओ वी कैन कैलकुलेट, अगेन देख सकते हैं आप, टाओ वी कैन कैलकुलेट बाई यूजिंग टाओ इज इक्वल टू पी अपॉन टू ए। सो 11.7 किलो न्यूटन डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एरिया विल गिव अस द शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील बार हैविंग 5 mm डाया। सो इसी तरीके से सेकेंड टेस्ट जो है वो डायमीटर ऑफ कॉपर का है, जो कि 8 mm का है, उसके ऊपर भी सिमिलरली एक टेस्ट करेंगे और टाओ का वैल्यू देखेंगे। सो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम देख सकते हैं माइल्ड स्टील बार जो कि 5 mm का था, उसके लिए जो लोड आया शेयर लोड वो आया 11.7 × 10³ न्यूटन। और जब हम लोग टाओ इज इक्वल टू पी बाई टू ए के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे उसको, तो जो 5² 25 हो जाएगा, और जो टाओ आया शेयर स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेस का वैल्यू माइल्ड स्टील बार के लिए, वो आया 297.94 न्यूटन पर एम स्क्वायर और MPa। सो इसी प्रकार से हम कोई भी मटेरियल का स्पेसिमेन का शेयर टेस्ट कर सकते हैं अंडर UTM।